अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम लशपश होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 7:45 हो रहे हैं, तो अभी हम लोग निकलने लगे मैं और शहाब सुहेल भाई के घर से। नाश्ता वगैरह जो हमने सुहेल भाई के घर से किया है, सुहेल भाई ने हमारी आज बहुत ज़्यादा खातिरदारी की एक दिन में। तो अगर आपने सुहेल भाई का अभी चैनल चेक नहीं किया है, हिस्ट्री विद सुहेल, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपने देखा होगा पिछले वाले ब्लॉग में सुहेल भाई को। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह। सुहेल भाई के पास से जब हम चले थे उससे आगे हम तकरीबन 1.5 घंटा चल चुके हैं, और अब हम पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के जुड़वा शहर जिसको बोला जाता है पिंडी। पिंडी और इस्लामाबाद को बोला जाता है पाकिस्तान का जुड़वा शहर। तो यहाँ पे भी हमने छोटा सा स्टॉप लिया है क्योंकि बाइक का ऑयल चेंज भी करवाना है। जब से हम लाहौर से निकले थे हमने ऑयल चेंज नहीं करवाया था। सड़क गई है, हमारा रूट है, यहाँ पे हमने छोटा सा स्टॉप किया, यहाँ बाइक खड़ा है और हमने पीना था थोड़ा पानी। हम थोड़ा चला चला के थोड़ी डस्ट जा के ना थोड़ी बुरी हालत हो गई थी। तो शहाब की हालत देखें कैसी हुई थी, देख मनसहरा क्रॉस किया है अभी हमने। यहाँ से अभी भी कोई 103 किलोमीटर का हमें बता रहा था कागान है, कागान पहले आता है, हमने जाना है नारान। तो नारान जो है यहाँ से 125-26 बता रहा था ना, नारान 125-26 किलोमीटर अभी भी है, और पहाड़ों के 125-25 किलोमीटर का मतलब है बहुत ज़्यादा। इन जगहों को बोलते हैं रहने वाली जगह। यहाँ देखें ना, ये सिर्फ पहाड़ और यहाँ नीचे देखें यहाँ सारे लोग रह रहे हैं, ऐसा ज़बरदस्त लग रहा है ना। नारान जो है वो भी काफ़ी दूर है, तकरीबन 96 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हमें रस्ते में ये चश्मा ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे रुक गए बीच में। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, मज़ेदार किस्म की आबो हवा ये थी, ज़बरदस्त। अभी यहाँ से नारान रह गया है कितना, 77 किलोमीटर नहीं कम है, 60 किलोमीटर तकरीबन रह गए। तो हम 120 था पहले जब लास्ट आपको बताया था, छोटे किधर जाना, अभी 60 साना है हमारे साथ, तो अभी 60 किलोमीटर रह गए। तो अब यहाँ से ऊपर जाने से जाते जाते हमें थोड़ी सर्दी लग रही है, तो अब हमें यहाँ पे पहनना पड़ेगा अपना सामान जो सर्दी वाला सामान। ये पकड़िए देने का, हाँ साइडों से लग रही थी, तो मैं खड़ा हुआ है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, घूम घूम के खाना भी नहीं। अभी यहाँ भी ये हाल हो गया, आगे पता नहीं क्या होगा, अभी यहाँ बर्फबारी भी नहीं है। और डॉन हाँ यहाँ से अभी 50 किलोमीटर है, और यहाँ पे जिस जगह पे भी हम खड़े हैं शायद आपको पता नहीं आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, तो यहाँ यहाँ से ये दरिया कुनहार गुजर रहा है, क्या खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर।
ये आप देखते हैं, ये देखें चारों तरफ पहाड़ हैं ये, और बीच में ये दरिया जो गुजर रहा है ऐसा। और ये 12 घंटे की बाइक राइड के बाद हम लोग यहाँ फाइनली पहुँच गए। सुबह हम 8 बजे निकले थे और अभी दोबारा 8 बज गए। पहाड़ों पे जो हमने सफ़र किया बाइक का वो हमने 300 किलोमीटर किया लगातार। नीचे से जा रहा था दरिया कुनहार और हम उसके ऊपर से उसके कभी करीब आते ऐसे, और फिर हम वापस पहाड़ घूम घूम के ऊपर बहुत हाइट पे चले जाते। फिर कंटिन्यूसली हमने जो है 11.5 घंटे किया सफ़र। 11.5 घंटे आठ बजे सोहेल भाई के पास से निकले थे, उसके बाद हम नॉन स्टॉप ही गए। बस हमने इंजन ऑयल बाइक का चेंज करवाया और फर्दर हमने 2-3 स्टॉप किए हैं, एक पानी का, ये छोटे 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 जो है 2-3 स्टॉप किए हैं, एक ऑयल का मतलब, और 2 पानी का, इस तरह का बस। बाकी हम लगातार हैं तोड़ो पोड़, क्या बोलता वो तोड़ो पोड़ तो जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि दरिया के पास भी आते थे और ऊपर भी जाते थे, जो दरिया का जो जितना भी पानी है वो सारा आ रहा है ग्लेशियर से पिघल के, तो वो ठंडा पानी था तो उसका असर था। और ऊपर से जैसे जैसे रात होती गई, क्योंकि हमने रात में भी काफ़ी चला है तो रात वैसी ठंडी होती है, तो ऊपर से दरिया साथ गुजर रहा, ऊपर से नारायण हो, पहाड़ी इलाका हो तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो बहुत ठंड हो गई। तो अब देखें, आप हमें देख सकते हैं, हम कंबल में बड़े हैं इधर दोनों, तो थोड़ा अभी हम यहाँ थोड़ा इसलिए ताकि थोड़े गर्म हो जाए, और फिर अभी हम निकलेंगे दोबारा नारायण में या गलियों में खाना शाना खाएंगे, क्योंकि हमने सुबह का नाश्ता किया है वही जो हमने सेहल भाई के पास किया था। ये वाला कमरा है जो आपने अभी देखा, ये हमें मिला है 1000 रुपये में, और आपने इससे पहले देखा होगा जो हमने गुजरा वाला में लिया था, जब हमने पहले स्टे किया था वहाँ पे भी हमें 1000 का मिला था, और वहाँ भी हमने आपको कमरा दिखाया था वो कैसा है, और ये सारा कमरा आपके सामने अटैच बात है इसके साथ, वो अटैच बात उसके साथ भी था लेकिन वैसे ज़बरदस्त ही है बहुत ही। सर्दी बहुत लग चुकी है तो हमने कहा बगैर मतलब बेहतियात नहीं करते हम, जो है थोड़ा एहतियात करते हैं, क्योंकि कल का दिन भी हमने पूरा गुजारना है, कल ज़्यादा सर्दी होगी, दोनों 300 तो हम थोड़ा एहतियात करते हैं। मैं बाइक स्टार्ट किया था, धुआं नजर आ रहा था, ऐसी लश की स्मेल आ रही थी, नई बाइक की धुएं की नहीं होती। सही लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। देखिए साइड से, देख साइड से कहानी आगे, अरे मुँह देखकर तो कहानी आगे कहानी आगे। सर्दी है तो सर्दी की मुनासिबत से खाना पीना भी होना चाहिए, तो हम ये थोड़ा ड्राई फ्रूट यहाँ ज़रा चखते हैं। हम लोग पहले गए थे लाहौरी रेस्टोरेंट में, इसके साथ ही है, तो उन्होंने हमें लाहौरियों को देख के हमें घास नहीं डाली, घास ना डालने से मुराद ये कि उन्होंने हमारा ऑर्डर नहीं लिया, तो हम वहाँ से चल के साथ ही कराची आ गए, कराची रेस्टोरेंट में। चॉकलेट हमने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, वो हम तो वहाँ पी गए वहाँ उसी पे जहाँ से हमने बनवाई है, और इतने मज़े की लगी तो हम यहाँ साथ ही ले आए। तो यहाँ हमने जो आपने देखा था ड्राई फ्रूट्स भी हमने साथ लिए थे, तो ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ अभी हम क्या कहेंगे, हॉट चॉकलेट। मुझे बहुत मज़ा आएगा यार। कहाँ बिली वो रखी, हॉट चॉकलेट कोल्ड चॉकलेट हो गई है जिस जगह पे अभी हमें, यहाँ पे तो अभी फिलहाल बर्फबारी नहीं हो रही, लेकिन इर्द गिर्द के जो एरियाज है ना सैफुल मलूक जहाँ पे हमने सुबह जाना है और बाकी जो और जगह वहाँ पे हो रही है, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पहली बर्फबारी अभी तक नहीं हुई लेकिन किसी भी वक्त हो सकती है, जब होती है तो 10-12 फुट जो है वो देखो शॉक। ये बात है किसकी, बच्चियों की नहीं, जिनकी बच्चों की। अच्छा जी ठीक। हम लोगों ने जो पिछले हमारे टोटल थे 4 दिन ट्रिप के, ऐसे ही ना शॉक, टोटल हमारे 4 दिन थे, और हमने पहले 2 दिनों में सिर्फ कितने किलोमीटर किए अंदाज़ा लगाएं, पहले 2 दिनों में हमने सिर्फ किए 200 किलोमीटर, जिसकी एवरेज बनती है कि एक दिन का 100 किलोमीटर, जो कि कुछ भी नहीं होता। तो हमें थोड़ा सा हुआ कि हमारा थोड़ा मतलब हम थोड़ा कम स्लो स्पीड से चल रहे हैं, तो हमने सारी कसर निकाल दी वो आज के दिन में। वो कैसे कि हमारा था तकरीबन कोई 500 किलोमीटर होगा, 500 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस है सहेल भाई के पास से। तो नहीं लेकिन इनके इसके लगभग ही होगा, 400 और 500 के अंदर ही होगा, 450 लेकिन आराम का कितना होगा यार,
झेलम से लेके झेलम से पिंडी आना बहुत फासला है वहाँ से, फिर पिंडी से 106 किलोमीटर है झेलम से पिंडी आना, 106 किलोमीटर है, फिर पिंडी से यहाँ आना भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है मतलब, और वो भी तब जब बीच में पहाड़ हो कोई 250-300 किलोमीटर के, इजीली 250-300 होंगे, इधर बहुत टाइम लगता है भाई, तो यहाँ बहुत लगता है क्योंकि यहाँ 40-50 की स्पीड से जाते हैं, जैसे आपने वीडियो में सारा देखा, तो 40-50 की स्पीड से जाहिर है जब जाएंगे तो फिर कितनी स्पीड पे, मतलब एवरेज 40-50 की, इसका मतलब ये है कि एक घंटे में हम 40 किलोमीटर करेंगे, तो अगर हमने 100 किलोमीटर करने हैं तो वो 2-2.5 घंटे में होंगे वही, तो वही अगर हम हाईवे पे हों तो वो अगर 100 की स्पीड पे हों या 80-90 की स्पीड पे हों तो वो एक घंटे में 100 किलोमीटर हो जाएगा, इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो हमें वो सारी कसर जो हमने 2 दिन में 200 किलोमीटर किए थे, तो हमने एक ही दिन में 500 किलोमीटर कर लिए, वो भी पहाड़ों वाले 500 किलोमीटर। अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम अभी हो रहा है 11:30, हम लोग यहाँ पहुँच गए थे तकरीबन 7:30 बजे, पूरे 7:30 खाना शाना खाया और हॉट चॉकलेट मॉट चॉकलेट खाई पाई, मतलब पी, और उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम लेके आए, वो खाए, वो थोड़ी चखे, मज़ा आया, सर्दी है ना, सर्दी है, सर्दी के लिहाज से हॉट चॉकलेट वो सब ऐसा मज़ा आया ना, ड्राई फ्रूट्स बहुत मज़ा आया। तो हमने सुबह जाना है सैफुल मुल्क, सुबह हमने जल्दी उठना, इंशाल्लाह जाएंगे, तो हमने सुबह जल्दी उठना जिसकी वजह से भी हम थोड़ी देर में नाश्ता यहीं से करना है, पराठा चाय और कोई भी लच्छे वाले पराठे, हाँ लच्छे वाले पराठे जिसको बोलते हैं ना, चूड़ी वाले पराठे वो, और सुबह हम जाएंगे सैफुल मुल्क। तो इस वाले ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।